आप देख रहे हैं सोशल और आज हम आपको सादत हसन मंटो के बारे में बताएंगे जिनकी कहानियों को भारत, पाकिस्तान और दुनिया भर में प्यार और सम्मान मिलता है। मंटो का जन्म 11 मई 1912 में पंजाब के समराला डिस्ट्रिक्ट के गांव पपरौड़ी में हुआ। उनके पिता एक बैरिस्टर और सेशन जज थे। मंटो बचपन में जहाँ कुछ लेजी थे वहीं बहुत शरारती भी थे। उन्हें थिएटर में बहुत रुचि थी जिसके चलते उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ड्रामा क्लब भी शुरू किया जो महज कुछ ही दिन टिक पाया। उसकी वजह थी उनके अब्बू जिनको ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने अपने एंट्रेंस लेवल तक की पढ़ाई अमृतसर से की और उसके बाद 1931 में हिंदू सभा कॉलेज में दाखिला लिया। उन दिनों अमृतसर में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत जोरों से चल रही थी और इनकलाब जिंदाबाद के नारे गली गली में सुनाई देते थे। 1932 में जब भगत सिंह की फांसी को कुछ ही समय हुआ था मंटो के पिताजी का भी देहांत हो गया, जिसके बाद मंटो की रुचि क्रांतिवादी सोच की तरफ और भी बढ़ने लगी। उन्हीं दिनों में मंटो की मुलाकात एक जर्नलिस्ट अब्दुल बारी से हुई जिन्होंने मंटो को रशियन और फ्रेंच लिटरेचर पढ़ने की सलाह दी। रशियन लिटरेचर का मंटो पर कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुआत ही विक्टर ह्यूगो के प्ले द लास्ट डे ऑफ द कंडेम्ड को ट्रांसलेट करने से की। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे रशियन लिटरेचर का उर्दू में अनुवाद किया। उसी दौरान उन्होंने अपनी पहली कहानी तमाशा लिखी जो जलियांवाला बाग मैसेकर को एक 7 साल के बच्चे की नजर से दर्शाती है। फिर वो 1934 में अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए। यहाँ आकर मंटो यूनिवर्सिटी के क्रिएटिव और प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट से बहुत प्रभावित हुए और उनकी मुलाकात अली सरदार जफरी से हुई जो एक उर्दू पोएट, राइटर और कम्युनिस्ट थे। इसके बाद मंटो की कलम को एक नया रुख मिल गया और उन्होंने अपनी दूसरी कहानी इनकलाब पसंद लिखी। इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो नहीं रुका। 1936 में मंटो की उर्दू कहानियों की पहली किताब आतिशपारे पब्लिश हुई। यूनिवर्सिटी के बाद मंटो ने कई मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के लिए काम किया और 1941 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम करते हुए उन्होंने कई शॉर्ट स्टोरीज और एसेज लिखे जो आगे जाकर बेहद चर्चित हुए। इस पीरियड को उनकी क्रिएटिविटी का गोल्डन पीरियड भी माना जाता है। फिर जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली और बंटवारा भी, तो इस इंसिडेंट से मंटो और मंटो की कहानियाँ बहुत प्रभावित हुईं। उस वक्त मंटो ने एक अहम फैसला लिया और 1948 में अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ पाकिस्तान चले गए और अपनी आखिरी सांस तक लाहौर में ही रहे। मंटो ने अपनी 42 साल की उम्र में बहुत सी कहानियाँ, रेडियो ड्रामास और एसेज लिखे हैं और कई बार मंटो और उनकी राइटिंग्स पर मुकदमे भी चले हैं। उन पर इल्ज़ाम था कि वो अश्लील कहानियाँ लिखते हैं, वैश्याओं के बारे में लिखते हैं और उनकी कहानियों में गालियाँ होती हैं। खासकर उनकी कहानियाँ काली सलवार, धुआं, बू, ठंडा गोश्त, ऊपर नीचे और दरमियान, इन पर अदालत में सवाल उठाए गए थे। मंटो ने हमेशा अपनी कहानियों को डिफेंड किया और यही कहा कि उनकी कहानियाँ समाज का आईना हैं, जो सच में हो रहा है वो वही लिखते हैं और अगर उनकी कहानियों से किसी को एतराज़ है तो फिर इसका मतलब ये है कि उन्हें समाज से ही एतराज़ है। मंटो ज़माने से तो लड़ गए और वो भी बिना किसी पछतावे के, पर वो लीवर सिरहोसिस नाम की भयानक बीमारी से नहीं लड़ पाए और 18 जनवरी 1955 में उनका देहांत हो गया। मंटो की कहानियाँ और उनकी कहानियों की सच्चाई 50 साल से हमें आईना दिखाती आई है और मंटो अपने पढ़ने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। That's a wrap on this video. We hope इससे आप सादत हसन मंटो को बेहतर जान पाए होंगे। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सोशल हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।